नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सवेरे सवेरे आपको फिर से एक बार डिस्टर्ब करने का कारण बहुत बड़ा होगा। ये उखाड़ कबाड़ है, यहाँ से उखाड़ के, वहाँ से कबाड़ के और कहीं और लगा दिया जाता है। राजनीति बिहार की ऐसी ही है, कब किधर से क्या उखाड़ लिया जाए और कहाँ लगा दिया जाए ये पता नहीं चलता है। अब देखिए ना, कल तक जिस भूरा बाल को तथाकथित रूप से आरोप लगता था कि लालू यादव उखाड़ने की बात करते थे, आज वो कहाँ जाकर लग गया है। आपने देखा किस तरीके से भूमिहार प्रतिनिधित्व देने की वजह से राजद के सीटें भी बढ़ी हैं, और पहले भी राजपूतों को, ब्राह्मणों को, भूमिहारों को राज्यसभा हो, MLC हो, विधायक का चुनाव हो, लगातार तेजस्वी यादव HOD की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बातें तो भाजपा भी करती है। कहा यह भी जाता है कि ये जो बड़ा वोट वर्ग है सवर्णों का, ये तो भाजपा का बंधुआ है, भाजपा को वोट देता है। लेकिन तेजस्वी यादव एकाएक ये सब कुछ परिवर्तन क्यों करते हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए कल रात वाला पंचनामा पे के पेज पर जाइए। अगर आप YouTube पर देखें, YouTube पर जाइए, पंचनामा खोजिए और कल वाला देखिए, इसका जवाब मिल जाएगा। हम इसका जवाब देने नहीं आए हैं, हम आपको कुछ और बताने आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरा तरफ नीतीश कुमार एक बड़ा खेला कर दिए हैं। नीतीश कुमार एक तरफ जहाँ सॉफ्ट हो गए हैं, वहीं उन्होंने कई छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं कि अब वो बिहार की राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं। ऊपर यानी केंद्र की कोई भी बड़ी जिम्मेवारी वो संभाल सकते हैं। कोई बड़ी जिम्मेवारी हो सकता है विपक्ष की संभाले, हो सकता है प्रशांत किशोर के पास कोई रणनीति हो सकता है नीतीश कुमार ही कोई नई रणनीति बना दे। लेकिन जो भी होगा अब होगा, और इस नीतीश कुमार की बेचैनी को भांप लिया है तेजस्वी यादव ने। चाहे अलग अलग विभागों का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगना हो, या फिर जनता के बीच जाकर यह कहना कि मैं निजी यात्रा पर आया हूं और भावनात्मक तरीके से लोगों से मिलना, यह सब कुछ नीतीश कुमार के तेवर कलेवर का हिस्सा नहीं है। अब हो गया है तो कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कोई रिटायर कर्मचारी 50 साल किसी न कंपनी में देने के बाद उस कंपनी से विदा होते समय वहां के लोगों से मिलता है, मुलाकात करता है और सहृदयता के साथ ये कहता है कि बहुत समय दिया है हमने, आपने भी न्याय किया। ये जो नया रंग दिख रहा नीतीश कुमार का, इसकी वजह से बिहार की राजनीति में एक वैकेंसी क्रिएट होगा। भाजपा उस वैकेंसी को खाली होने नहीं देगी। भाजपा बहुत जल्दी ही अपने 4-5 अलग अलग CM कैंडिडेट में से किसी एक को उस कुर्सी पर बिठाने का प्रयास कर देगी, और कहीं ना कहीं ये तैयारियां चल चुकी हैं। जहां एक तरफ नित्यानंद राय का नाम कहीं ना कहीं फ्लोट कर दिया गया है, वहीं शहनवाज हुसैन भी अपने विभाग का 1 साल का कारनामा दिखाकर अपना सिक्का बढ़ाना चाहते हैं। वहीं अजय निषाद हो या फिर निषाद समाज के प्रति जो एक बड़ा रणनीति किया गया भाजपा की तरफ से, उससे भी कई लोगों का नाम सामने आया। गिरिराज सिंह फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनने की तैयारी कर रहे हैं, और ये सारे नाम जब प्रस्तावित किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बेचैनी सारे पार्टियों में बिहार के शुरू हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, कुर्सी खाली होने और कुर्सी पर किसी और के बैठने के बीच एक जो समय छोटा सा होता है उसमें तेजस्वी यादव बाजी मारना चाहते हैं। बोचहा में रणनीति के तहत उन्होंने पिछड़ा समाज के सारे नेताओं को तो उतारा ही है, साथ ही साथ आशुतोष कुमार और अनंत सिंह की फौज उन्होंने उतार दी है कि कसहू बोचहा में अमर पासवान को जिताकर सदन में एक सीट अपनी बढ़ा ली जाए। जो भाजपा नजर बनाई हुई है उस सीट को बढ़ाकर भाजपा से फिर बराबर की लड़ाई की जाए। आपको पता होगा कि जिस तरीके से VIP में जोड़ घटाव करके भाजपा ने अपनी संख्या बढ़ाई, उससे बिहार की नंबर वन पार्टी बन गई है। अब तेजस्वी यादव पर दबाव है कि उस वोट बैंक को जो बहुत बड़ा बिहार का है, उसको अगर वो अपने पास रखना चाहते हैं या उनके पास है ये साबित करना चाहते हैं, तो उन्हें सदन में भी उस हिसाब से ताकत दिखानी पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार के पीछे हटते ही इस कुर्सी पर कैसे तेजस्वी यादव अपना दावा करेंगे ये भी जान लीजिए। बोचहा में सारे समाज के नेताओं को उतारने के साथ साथ अपने विधायकों को भी उन्होंने ये दे दिया है हिदायत कि वहां पर जो भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक है उसको साधने के लिए अगर नारा भी लगाना पड़े तो ब्रह्मर्षियों के पक्ष में नारा लगाइए। और आप ये वीडियो देख सकते हैं कैसे मुकेश रोशन लगातार नारा लगा रहे हैं ब्रह्मर्षि समाज जिंदाबाद के। इसके साथ ही बिहार में जो भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक निर्णायक है, जिसके चलते हमने पंचनामा में कल आपको बताया था, अब बार बार उस चीज को रिपीट नहीं किया सकता, पंचनामा देखिए और जाके समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बिहार में OBC जो वोट बैंक है उससे विधायकों की संख्या घटी है और जो सवर्ण वोट बैंक के विधायकों की संख्या है वो लगातार बढ़ी है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो शिफ्ट है राजद का वो A to Z की तरफ हो रहा है, और साथ साथ तेजस्वी यादव ये भी फैसला कर ले रहे हैं कि अब सवर्णों के वोट बैंक से ही CM बनेंगे। यानी भूमिहारों के साथ उन्होंने ये दावा भी ठोक दिया है कि बिहार की कुर्सी पर नीतीश और भाजपा के बीच वो विराजमान होंगे। अगली खबर में जल्दी मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।